व्हाट्स द कलर ऑफ मिरर? क्या आप जानते हैं कि मिरर यानी शीशे का रंग कैसा होता है? वो मिरर जो हम सबके घरों में होते हैं और हर सुबह उठकर हम अपने फेस को शीशे में देखते हैं, बट वी नेवर ट्राई टू नो व्हाट्स द कलर ऑफ मिरर। या फिर आपके दिमाग में यह प्रश्न कभी न कभी तो ज़रूर आया होगा, मनुष्य 10 मिलियन रंगों को डिफरेंस कर सकता है, बट इसकी कल्पना करना मुश्किल है कि मिरर वाइट या सिल्वर नहीं है। इट इज़ एक्चुअली द कलर व्हाट एवर रिफ्लेक्टेड ऑन इट। वास्तव में यह उस दिखने वाले चीज़ का रंग होता है जो शीशे पर रिफ्लेक्ट होता है। द परफेक्ट मिरर रिफ्लेक्ट ऑल इमेज इन द एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। लेकिन हम रियल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर कोई परफेक्ट मिरर नहीं है। सभी रियल मिरर बहुत कम अमाउंट में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। यह 510 नैनोमीटर के रेंज में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो हरे रंग के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सो टेक्निकली आपका मिरर टीटची ग्रीन कलर का होता है। हाउ मच ऑफ आवर ब्रेन डू वी यूज? हम अपने दिमाग का कितने परसेंट तक यूज करते हैं? अभी तक लोगों को गुमराह किया गया है कि हम केवल 10% का ब्रेन यूज करते हैं। यह मिथ अमेरिकी साइकोलॉजी मनोविज्ञान विलियम जेम्स के पिता द्वारा 1890 के दशक में शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि हम में से अधिकांश हमारे मानसिक क्षमताओं को पार नहीं करते और यह गलतफहमी लंबे समय तक बनी रही। रियलिटी यह है कि हम मस्तिष्क के लगभग हर भाग का उपयोग करते हैं और अधिकांश भाग हर समय सक्रिय रहता है। वास्तव में नींद के दौरान आपके दिमाग के सभी भाग एक्टिव रहते हैं। यह सच है कि ब्रेन का प्रयोग प्रत्येक भाग किसी भी मोमेंट में कॉन्करेंटली एक्टिव नहीं होता। मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए ब्रेन को 1-16% तक एक्टिव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैक्सिमम सेल का यूज हार्ट अटैक, ड्रीमिंग और अनकॉन्शियस पर कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ह्यूमन ब्रेन रिक्वायर्स 20% ऑफ द बॉडी एनर्जीज मोर देन द अदर ऑर्गन्स। मानव मस्तिष्क को 20% ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है दूसरे अंगों की तुलना में। बच्चों में यह संख्या 50% और शिशुओं में 60% है। इसमें किसी भी अन्य प्रजाति की तुलना में न्यूरॉन लगभग 86 अरब अधिक होता है। एंड दिस डेंस न्यूरॉन पैकिंग इज व्हाट मेक्स अस सो स्मार्ट। और यही घने न्यूरॉन पैकिंग हमें इतना स्मार्ट बनाते हैं। वेयर डू परमानेंटली डिलीटेड फाइल गो इन कंप्यूटर? क्या आपको पता है कि जब हम कंप्यूटर में किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट करते हैं तो वह कहाँ जाता है? क्या वे नष्ट हो जाते हैं या वे कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ से हम कभी भी उसे वापस नहीं ला सकते? क्या वो इसे राष्ट्रपति को भेज देते हैं? वेल, जवाब है आपका कंप्यूटर कुछ भी नष्ट नहीं करता। वे सभी फाइल आपके हार्ड डिस्क में ही पड़े रहते हैं। जब आप किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो आप सिर्फ एक पॉइंटर को अपने हार्ड डिस्क में नए एड्रेस पर भेज देते हैं। पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का डेटा होता है जो उस लोकेशन को दर्शाता है जहां पर रियल फाइल स्टोर होता है, जैसे ट्रैक, सिलेंडर, सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क। बड़ी फाइलों को अक्सर कई जगहों पर स्टोर किया जाता है। जब आप एक फाइल खोलते हैं तब हार्ड ड्राइव पॉइंटर को फॉलो करके डेटा प्रेजेंट करता है। फाइल कभी भी इरेज नहीं होता, वह फिजिकली आपके हार्ड ड्राइव में स्टोर होती है तब तक जब तक कि लोकेशन ओवरराइट ना हो। ओवरराइटिंग इस बात की गारंटी नहीं देता कि आपका फाइल हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाए। घना ऑर्गेनाइजेशन अपराधियों के फेंके हुए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से डेटा को रिकवर कर लेता है। सो इफ़ यू आर वर्किंग फॉर अ सीक्रेट एजेंसी, यदि आप किसी सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करते हैं तो यह आपके लिए बेहतर होगा कि आप हार्ड डिस्क को फेंकने के बजाय उसे नष्ट कर दें।